जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्स सरकारी नौकरी में। फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे अपडेट पाने के लिए लक्स सरकारी नौकरी को। जो भी आपके मित्र से फ्रेंड्स होने जरूर शेयर करें, जिससे करने छत लगा है। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्यूरियो जरूर बताएं, आपके सुझाव साधारण तरीके। तो फ्रेंड, बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग की अब तक का लेटेस्ट न्यूज़ बनी हुई है, सारे देखेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बने रहिए इस चैनल के साथ, कोई भी क्वेरी हो जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, बीते दिनों हम लोगों ने देखा जो लेटेस्ट अपडेट आई हुई थी कि रिजल्ट जो है इसी माह निकाला जाएगा, और जो भी फर्जी सर्टिफिकेट है उन पे कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। ये आपने बीते दिनों में सारी न्यूज़ देखे। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट आ रही है, देखेंगे। ये देख सकते हैं, नियुक्ति में देर हुई तो समय पर पूरा नहीं होगा। भू सर्वेक्षण का जो कार्य है निर्धारित समय पर पूरा नहीं होगा, मेनका कानून से रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र वाले जाएंगे जेल, अमीन कानून का रिजल्ट इसी में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज की एक और बड़ी न्यूज क्या है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसी माह अमीन व कानून के रिजल्ट आने की संभावना। पटना विशेष सर्वेक्षण अमीन कानून को और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का रिजल्ट इसी माह प्रकाशित होने की संभावना है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में बुधवार को सर्वेक्षण से संबंधित प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह और निदेशक जय सिंह ने कि यह उम्मीद जताया गया कि नए कर्मियों का रिजल्ट इसी माह प्रकाशित हो जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को अनुरोध किया जाएगा। विभाग द्वारा नियुक्त कर्मियों को मेगा सूची तैयार कर ट्रेनिंग का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। रिजल्ट में विलंब होने पर सर्वेक्षण काम में भी समय पर नहीं हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी का रिजल्ट तैयार है, ट्रेनिंग के लिए सारे जो है शेड्यूल बन चुके हैं, मामला कोर्ट को लेकर लटका हुआ है, और विभाग जो है इसके लिए खुद पहल करेगा सोमवार को। देख सकते हैं, बुध आज है, शुक्रवार, नेक्स्ट जो अपकमिंग सोमवार आ रहा है, मंडे सोमवार को जो है विभाग खुद पहल करेगा, और रिजल्ट इसी माह के एंड ऑफ दिस मंथ में भी पब्लिश हो सकता है। कानूनगो के अमीन के ये सारी बातें जो है खुद बताई गई है पंचायती राज विभाग द्वारा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए जो वेटेज कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जो है पंचायती राज विभाग को मिली है, देख सकते हैं। उनके लिए पंचायती राज विभाग को दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पटना पंचायती राज विभाग को वर्ष 2019 में दो राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें पहला है दीनदयाल सशक्तिकरण अवार्ड 2019 और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सम्मान 2019। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि जो है पंचायत स्तर पर कार्य जो है बहुत ही सही तरीका से किया जा रहा है। उनका विकास जिसमें सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो उनको पुरस्कार दी है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है पंचायती राज विभाग में जो है कि आए दिन खुशखबरी मिलती रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, सीनियर रेजिडेंट के लिए 10 तक करे आवेदन। स्वास्थ्य विभाग में राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के टेन्योर पदों 3 वर्षों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन 40% राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग से, जबकि 40% पद राज्य के मेडिकल कॉलेज स्नातकोत्तर कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को भरा जाएगा। शेष 20% पदों को वैसे चिकित्सकों से भरा जाएगा राज्य के बाहर मेडिकल कॉलेज से डिग्री पूरी किए हैं। इसके साथ ही एक और न्यूज है, 1 लाख शिक्षकों के लिए नियोजन के लिए आवेदन शुरू हो गया है। प्रदेश भर के प्राथमिक स्कूल में 1 लाख शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन शुरू हो गया। बुधवार से शुरू हो गई प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक स्कूलों के नियोजन प्रक्रिया
के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बिहार शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने प्राथमिक स्कूल के लिए चल रही नियोजन की प्रक्रिया समय पर पूरी कराने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि तो फ्रेंड्स ये कुछ रिक्वायरमेंट थे टीचर्स के, रेजिडेंट के फिलअप कर सकते हैं इसकी अगर वेटेज कर रहे हैं तो। इसके साथ ही तो फ्रेंड्स ये सारी बातें थी, देख सकते हैं जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे सारी कल का भी आप देख सकते हैं जो सारी सूचनाएं मिली थी हमके अपडेट दिए थे आपको कि नियुक्ति में देरी हुई तो समय पर कार्य नहीं पूरा होगा। जो भी कार्य है शेड्यूल जो भी बना हुआ है समय पर नहीं पूरा होगा। अमीन व कानून का रिजल्ट शीघ्र जारी किया जाएगा। इसके साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र वाले जो है नहीं बख्शे जाएंगे। इसी माह रिजल्ट और कानून का रिजल्ट आने की संभावना। तो फ्रेंड्स ये सारे जो है रिजल्ट इसी माह जारी किया जाएगा। पंचायती राज विभाग को इसके साथ ही दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दे बिहार पंचायती राज विभाग से। फ्रेंड जो भी मित्र से फ्रेंड्स इसकी वेटेज कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। जैसे लेटेस्ट अपडेट आता है जरूर तो फ्रेंड जैसे लेटेस्ट अपडेट आता है जरूर अपडेट करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। कोई भी क्यूरी हो जरूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। तो फ्रेंड्स ये कुछ अपडेट थे अब तक। बने रहिए चैनल के साथ। जो भी मित्र से फ्रेंड्स हैं जरूर शेयर करें जिससे करने छतला बने। तो उसके कोई भी क्यूरी हो फ्रेंड जरूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।